इमली को सुखाकर नमक डालकर गोले बना लीजिए और एयरटाइट डिब्बे में रख दीजिए। इससे साल भर तक खराब नहीं होगा। ढोकला बनाते समय थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च को छिड़क दीजिए, स्वाद बढ़ जाएगा। अगर खाने को दोबारा गर्म करना हो तो खाने का बर्तन उबलते पानी के भगोने में रख कर ढक दे, कुछ देर में ताज़ा हो जाएगा। शिमला मिर्च की सब्जी काटते समय अंदर के बीज को निकाल दें, सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। अक्सर आप पहले रोटी बना के रख देते हैं तो रोटियां टाइट हो जाती है या सूख जाती है। अगर आप माइक्रोवेव में रख देंगे कुछ सेकंड के लिए तो रोटियां सॉफ्ट हो जाएंगी, लेकिन माइक्रोवेव ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हो। तो ऐसे में रोटियों को किसी पेपर या नैपकिन में लपेट कर छोटे टिफिन के डब्बे में रख कर डब्बे का ढक्कन बंद कर दें। उसके बाद कुकर में थोड़ा पानी भरें और फिर रोटियों के डिब्बे को कुकर के अंदर डालकर कुकर का लीड बंद करके मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए गैस में डाल दें। ध्यान रहे सीटी नहीं लगाना है, बस प्रेशर भरने तक रखें। उसके बाद कुकर खोल के टिफिन से रोटियों को निकाल कर देखिए, बिल्कुल ताज़ी जैसा एकदम सॉफ्ट रोटी आपको मिलेगी। एक दिन पुराने मफिन को फ्रेश करने के लिए उन पर पानी छिड़के एक पेपर बैग में रखें और 5 से 10 सेकंड के लिए गर्म ओवन में रखें। पानी से बनी भाप नमी को रिस्टोर कर देगी। दही को कई दिनों तक ताज़ा रखने के लिए बर्तन में दही भरकर उसमें पानी भरकर फ्रीज में रख दें। पानी को रोजाना बदलें। प्याज को फ्राई करते समय हल्की सी चीनी डालने से प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। एक कप नारियल पानी में 2 ब्रेड और 1 चम्मच चीनी डालकर ब्लेंड कर ले। इसे इडली के घोल में मिलाने से खमीर अच्छा उठता है। पनीर अगर टाइट हो तो उसमें चुटकी भर नमक मिले हुए गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए रख दे, पनीर नरम हो जाएगा। चावल पकाते समय पानी के साथ नींबू का रस मिलाने से चावल अधिक खिले खिले सफ़ेद टेस्टी बनते हैं। कद्दू में फाइबर भारी मात्रा में होता है, जिसे खाने के बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, आपका पेट फूल रहता है और आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल भी जमा होने नहीं देता है। इसके अलावा यह आपके आंत की सेहत का ख्याल रखता है और साथ ही शरीर में ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देता है। तंदूरी चपाती को नरम बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें थोड़ा दही मिला दें और गुनगुने पानी से आटा लगाए, तंदूरी चपाती सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। दाल के चिल्ले बनाते समय घोल में 2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला दें, चिल्ले खस्ते और क्रिस्पी बनेंगे। कद्दू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, वही इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मददगार है, इसलिए अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको कद्दू का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। ग्रेवी में तेल या घी ज्यादा हो जाए तो ग्रेवी को फ्रीज में रख दे। जब आंतरिक तेल या घी ऊपर आ जाए तो इसे चम्मच से निकाल दे और परोसने से पहले फिर से गर्म कर ले। भिंडी का स्वाद बढ़ाने के लिए सब्जी पकाते समय उसमें नींबू का रस डाल दें, इससे भिंडी चिपचिपी नहीं बनेगी। मटर का चमकीला हरा रंग बरकरार रखने के लिए मटर को उबालने से पहले उसमें चीनी मिलाएं। दाल को पकाते समय झाग बनने से और फैलने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा तेल मिला लें। अगर कुछ भी मीठा बना रहे हैं तो बनाते समय उसमें चुटकी भर नमक डाल दें, इससे व्यंजन का मीठापन निखर जाएगा। अगर ढाबे जैसे खिले खिले और सफ़ेद चावल बनाने हैं तो चावल को पकाते समय उसमें 1 चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू का रस डाल दें, इससे चावल दूध की तरह सफ़ेद और खिले हुए बनेंगे। एक चुटकी हल्दी और नमक डालकर कच्चे केले को उबालने से केला काला नहीं पड़ता है। पीतल और तांबे के बर्तनों को अमचूर पाउडर से साफ करें, इससे बर्तन चमक जाएंगे। अक्सर हम घर में बची बासी ब्रेड को फेंक देते हैं, पर इसका इस्तेमाल आगे भी किया जा सकता है। घर में बची पुरानी ब्रेड को आप एक एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में कर सकते हैं। कटलेट स्वादिष्ट बनेगा और टूटेगा भी नहीं। बैंगन भूनते समय उसमें 2 से 3 लहसुन की कलियां घुसा दीजिए, भरते का स्वाद अच्छा लगेगा और स्वाद भी नया लगेगा। टमाटर का सूप बनाते समय उसमें सूखा पुदीना मिला दीजिए, सूप बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। हरी मिर्च को काटकर इमली के पानी के साथ हाथ धोने से जलन नहीं होती है। दाल सब्जी में इमली या अमचूर की जगह पे आंवला पाउडर डालिए, इससे बालों और आंखों को फायदा होगा। सब्जियों को तलने से पहले तेल या घी में सफेद सिरके की कुछ बूंदे डालने से सब्जी स्वादिष्ट बनती है। फ्रीज की बदबू दूर करने के लिए उसमें नींबू का टुकड़ा रख दें। अगर सब्जी उबाल कर बनानी हो तो उबालते समय नमक डालने से इसका रंग नहीं बदलेगा और बनने के बाद स्वादिष्ट होने के साथ साथ दिखने में भी बहुत ही अच्छा होगा।
मैदे की कचौड़ी, खुरमे, मटरी आदि बनाते समय मैदे को थोड़ा दही और गरम घी डालकर गूंथें। दाल के बर्तन की तली में लग जाने के बाद इसमें से जलने की बू आ रही है तो परेशान ना हो, इसमें बारीक कटे टमाटर और लौंग का छौंक लगाएं, गंध दूर हो जाएगी। भिंडी पकाते समय सब्जी में एक चम्मच दही डालिए, इससे भिंडी आपस में नहीं चिपकेंगी। चांदी के बर्तनों को उबले हुए आलू के छिलकों पर नमक लगाकर चांदी के बर्तन साफ करने से बर्तन एकदम चमक उठेगा। खीर को बनाए हेल्दी। खीर को पकाती हैं तो उसमें चीनी डालती हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी खीर बनाना चाहती हैं तो मिठास के लिए खीर में गुड़ को टुकड़ों में करके डालें, इससे खीर का स्वाद भी बढ़ेगा और सेहत के लिए भी बहुत ही फायदा करेगी। तो अगर आप मीठा खाना पसंद करती हैं तो खीर को गुड़ के साथ बनाकर आराम से परोसिए, ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। सलाद में नमक पहले ना डालें क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है, इसलिए हमेशा सर्व करते समय ही नमक डालें। एक बार आटा गूंथ लेने के बाद अंत में घी डालकर उसे दोबारा गूंथ लें, इससे आटा जल्दी नहीं सूखता है। आलू की टिक्की के मसाले में एक कच्चे केले को उबालकर उसमें मिलाएं, ऐसा करने से टेस्ट बढ़िया आता है। नारियल तोड़ने से पहले 10 से 15 मिनट फ्रीजर में रख दें, इससे नारियल आसानी से टूट जाता है। अगर ब्रेड स्लाइस सूख गई हो तो पानी उबालें और उस पर तार की जाली या छन्नी रख दें और उसके ऊपर ब्रेड स्लाइस रख दें। थोड़ी देर में ब्रेड ताजी जैसी मुलायम हो जाएंगी। ज्यादा पके हुए टमाटरों को ठंडे पानी में डालें और थोड़ा नमक डालें, रात भर में वे सख्त और ताजे हो जाएंगे। दूध उबालते समय उसमें आधा चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से दूध खराब नहीं होगा, भले ही आप उसे फ्रिज में ना रखें। मूली को कद्दूकस करने के बाद उसे निचोड़ने के बाद निकले हुए पानी को आप कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। सिर्फ मूली ही नहीं, ये नुस्खा आप लौकी के साथ भी अपना सकते हैं। इस पानी से आप आटा गूंथ सकते हैं, सूप बनाने या सब्जी की ग्रेवी में कर सकते हैं। इससे किसी भी तरह से डिश का स्वाद नहीं बदलेगा बल्कि वो और भी ज्यादा सेहतमंद हो जाएगी। सांभर बनाते समय 2 से 3 चम्मच सांभर पाउडर बनाकर रखें। सांभर बनाने के बाद पैन में तेल गरम करके और बचा हुआ पाउडर डालें। जब ये तड़कने लगे तो गैस बंद कर दें। ध्यान रखें कि ये जले नहीं। इस भुने हुए पाउडर को सांभर में मिला दें, ये मसाला सांभर का स्वाद बढ़ा देगा। गोभी से आने वाली अप्रिय गंध से बचने के लिए गोभी के साथ कुचल अदरक का एक टुकड़ा डालें और उबालें। किसी भी हरी सब्जी को उबालते समय हमेशा ढक्कन खुला रखें ताकि उसका चमकीला हरा रंग बरकरार रहे और उसका रंग खराब ना हो। कोई भी भरवा सब्जी बनाते समय मसाले में मूंगफली पाउडर पीस कर भरे, खास तौर से स्टफ भिंडी बनाते समय सब्जी का स्वाद और बढ़ जाएगा। सब्जी की ग्रेवी बनाते समय यदि उसमें खट्टा ज्यादा हो गया हो तो खट्टापन कम करने के लिए 1 टीस्पून शक्कर मिलाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी टिप्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो में अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।